शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की खबर का। इस वक्त की खबर हमें मिल रही है राजधानी भोपाल से। महापौर प्रत्याशी के नाम पर सस्पेंस बरकरार है। लगातार बैठकें चल रही हैं बीजेपी में, लेकिन उसके बाद भी अभी तक नाम पर सस्पेंस बरकरार है बीजेपी के महापौर प्रत्याशी को लेकर। अंतिम दौर है ये। दिल्ली से लौटते ही बीजेपी हेडक्वार्टर सीएम पहुंचे। देर रात तक बीजेपी कार्यालय में बैठकें चली। बैठक में मुरलीधर राव, हितानंद शर्मा, वीडी शर्मा मौजूद रहे। सूत्रों के अनुसार भोपाल से भारती कुंभारे और इंदौर से मनोज द्विवेदी के नाम पर चर्चा है, लेकिन फिलहाल सस्पेंस बरकरार है। लगातार बैठकें चल रही हैं, रोज मंथन हो रहा है बीजेपी के महापौर प्रत्याशियों को लेकर। अंतिम दौर है। दिल्ली से लौटते ही बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे थे सीएम और देर रात तक बीजेपी कार्यालय में बैठकें चली, लेकिन अभी नाम पर सस्पेंस बरकरार है। नामों का ऐलान अभी फिलहाल नहीं किया गया है, लेकिन चर्चा है। सूत्रों के अनुसार भोपाल से भारती कुंभारे और इंदौर से मनोज द्विवेदी के नाम पर चर्चा है। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं। महापौर प्रत्याशी के नामों पर अभी तक सस्पेंस बरकरार है। नाम अभी तक जो है गोपनीय रखे गए हैं, लेकिन चर्चा दो नामों की, भोपाल से भारती कुंभारे और इंदौर से मनोज द्विवेदी के नाम पर चर्चा। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता नीरज श्रीवास्तव जी का। नीरज जी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। नीरज जी, महापौर प्रत्याशियों के नाम पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है, आखिरकार अभी भी नामों पर चर्चा हो रही है, नाम फाइनल कर लिए गए या नहीं, इस बारे में क्या कुछ अपडेट है आपके पास? और लगातार बैठकें चल रही हैं, रोज मंथन हो रहा है, उसके बाद भी अंतिम दौर है ये, उसके बाद भी बीजेपी अभी तक फैसला नहीं कर पाई, आखिर दिक्कतें कहाँ हैं? जी बिल्कुल पूनम, देखिए जिस तरह से जो बीजेपी में है लगातार बैठकों का दौर पिछले 3 दिनों से चल रहा है। जिस तरह से हमने देखा कि एक रात जो प्रश्न 2 दिन पहले जिस तरह सिंधिया भी उस बैठक में शामिल हुए, नरेंद्र सिंह तोमर शामिल हुए और बाकी सब तमाम नेता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में शामिल हुए, लेकिन उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला। फिर उसके बाद फिर बैठकों का दौर चला। कल जिस तरह से सीएम माना जा रहा है कि सूची लेकर दिल्ली गए थे और दिल्ली से जैसे ही रात को वापस आए तुरंत बीजेपी कार्यालय पहुंचे और देर रात तक जो है बैठक चली और उस बैठक में सभी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद रहे, हितानंद शर्मा जी मौजूद रहे और साथ में शिव प्रसाद जी भी मौजूद रहे, तो सभी की मौजूदगी में ये बैठक हुई है। लेकिन माना जा रहा है कि अभी भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए यदि सूत्रों की माने तो 3 जो विधायक है उन्होंने कहीं ना कहीं मालती राय का नाम प्रपोज किया है और उन्होंने उस बैठक में साफ कहा है कि यदि भोपाल से जो विधायक है उन्होंने साफ कहा है कि उसको जिता के हम लाएंगे, लेकिन मालती राय जो है पहला चुनाव जो है हार चुकी है तो इसको लेके कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है। वहीं यदि बात कृष्णा गौर की जाए तो कृष्णा गौर सिटिंग एमएलए है, वो फिलहाल अपनी विधायकी छोड़कर महापौर के लिए चुनाव लड़ना नहीं चाहती है, ऐसी जो खबरें बाहर निकल के आ रही है, तो उन्होंने जो है पार्टी को मना कर दिया है चुनाव लड़ने से। अब जो नया नाम निकल के जो सामने आ रहा है उसमें भारती कुंभारे का नाम जो है सामने निकल के आया है कि भोपाल से संभावित प्रत्याशी जो है भारती कुंभारे हो सकती हैं। साथ में इंदौर पर भी उसी तरह का पेच फंसा हुआ है, इंदौर में भी दिग्गजों की साख जो है दांव पर लगी हुई है, क्योंकि इंदौर से भी काफी बड़े नेता जैसे कैलाश विजयवर्गीय है, ये इस तरह के बड़े नेता जो है आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी भी साथ यहाँ बसी हुई है, तो वो भी चाहते हैं कि उनके जो प्रत्याशी है उनका जो समर्थक है उसको टिकट दिया जाए। तो माना जा रहा है कि इंदौर से जो है मनोज द्विवेदी का नाम जो है इस बैठक में दिया गया है। तो पूनम देखिए काफी लंबा पेज फंसा हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा खींचतान की यदि बात की जाए तो वो ग्वालियर चंबल संभाग में है, क्योंकि वहां ज्योतिराज सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर दोनों आमने सामने है। कहीं ना कहीं ज्योतिराज सिंधिया चाहते हैं कि ग्वालियर चंबल संभाग में जिस तरह से उनका जो वर्चस्व है वो और जो वजूद है वो कायम रहे,
और उनके जो समर्थक हैं जो कहीं ना कहीं भाजपा छोड़ के कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए हैं, और जिन्होंने उनका उस समय समर्थन किया जब सरकार बनने की कवायदें चल रही थी, तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि उनके जो समर्थक हैं उनको टिकट दिया जाए। वही नरेंद्र सिंह तोमर भी एक बड़े नेता है, केंद्रीय मंत्री है, उनको भी वो भी कहीं ना कहीं उनसे भी काफी सारे समर्थक जुड़े हुए हैं जो काफी पुराने समय से बीजेपी की विचारधारा पर काम कर रहे हैं। तो नरेंद्र सिंह तोमर अलग अपना वर्चस्व कायम किए हुए, तो ऐसे में माना यही जा रहा है कि जब ज्यादा खींचतान होगी तो कल दिल्ली जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लिस्ट लेके गए थे उनमें से एक नाम फाइनल हो सकता है, या फिर कोई नया चेहरा जो है केंद्रीय नेतृत्व तो प्रोजेक्ट कर सकता है। तो फिलहाल दांव खड़ा हुआ है, लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि आज जो है शाम तक कुछ नामों का जो है ऐलान कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, के शाम तक ऐलान कर दिया जाए। बने रहिएगा आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो लगातार बैठकें बीजेपी में चल रही हैं, मंथन चल रहा है, अभी नामों पर फैसला नहीं हो पाया है क्योंकि काफी ज्यादा चुनौती यहां पर कह सकते हैं बीजेपी को है, और हो सकता है कि आज शाम तक नाम फाइनल कर लिए जाएं, क्योंकि दो नाम जो हैं सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि दो नामों पर चर्चा है। अब देखने वाली बात होगी बीजेपी कब तक नामों को उजागर